हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ इस गर्मी में आइसक्रीम की रेसिपी, तो वो भी घर पे हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और अभी मैंगो का सीजन भी है तो बना लेते हैं अपने घर पे ही हेल्दी सा आइसक्रीम। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में आधा के जी दूध डाल लिया है, उसे उबलने के लिए छोड़ दिया है। और एक कप हमने दूध निकाल लिया है, तो एक कप दूध निकाल के साइड में रख दिया है। और इसी में हम एक कप चीनी डाल के दूध को उबाल लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए, बचे हुए दूध में हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। हमने मैदा यूज़ नहीं किया, हमने इससे अच्छा कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने मिला लिया इसको दूध में, और फिर से इसे दूध में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से और इसे धीरे धीरे पका लेंगे। तो ये देखिए, पकाने के बाद जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है हमारी मिल्क, तो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, तो उसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, हमें बाहर की मलाई की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मलाई ख़रीदना नहीं, हम घर पे ही मलाई निकालते हैं। उसी मलाई से हम इसे विक्सर की सहायता से हम 5 मिनट के लिए हमें इसे विक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे अच्छी तरह से विक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे घर पर ही क्रीम अच्छी तरह से बन चुकी है आइसक्रीम वाली। तो ये देखिए, हमारे मिल्क का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे ब्लेंडर में मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और साथ में ही हमने डाल लेना है इसमें 2 चम्मच मलाई, और इसको ग्राइंड कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह की ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, गाढ़ी सी। तो चलिए, हम मैंगो को भी हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसका पल्प निकाल लेना है, तो पल्प निकाल लेते हैं और इसको भी ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए, इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं और मिक्सर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये भी ब्लेंड हो चुकी है अच्छी तरह से। और दूसरे बर्तन में हम इसे क्रीम और कस्टर्ड पाउडर की मिल्क वाली मिक्सर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में हमने आम का पल्प जो बनाया उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और चम्मच की सहायता से ही इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए, चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इसकी देखिए थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, इतनी गाढ़ी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप किसी टाइप का कंटेनर ले सकते हैं, प्लास्टिक वाली, थोड़ी सी टैप कर लेंगे ताकि जो सेट हो जाए अच्छी तरह से, हमारी जो आइसक्रीम की मिक्सर है वो सेट हो जाए। तो आप इसे फ्रूट के साथ गार्निश करें, मैंगो चॉप करके। और ये देखिए, 3-4 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया है। इसके ऊपर पेपर ज़रूर लगाए ताकि बर्फ़ ना जमे। तो देखिए, 5-6 घंटे के बाद हमारी जो आइसक्रीम है वो रेडी हो चुकी है। तो पेपर हटा लेते हैं और इसे चाकू की सहायता से साइड से कट कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो आइसक्रीम जो है बाहर निकल जाए। तो टैप कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, हमारी जो मैंगो आइसक्रीम है वो घर पे ही रेडी हो चुकी है, घर के बेसिक सामान से ही। हमें मार्केट से कुछ नहीं लाना, आम हमारे घर में आता ही है। तो इस गर्मी आप भी मैंगो आइसक्रीम का मज़ा लीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, और अच्छे से अगर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इन्जॉय करें।